देखिए, चुनाव का ब्यूगल तो फूक चुका है और हम इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे यानी कि चौपाल के लिए आ पहुंची है, सौराष्ट्र के मुख्य शहर यानी कि राजकोट में। राजकोट को हम गुजरात में कहते हैं रंगीलो राजकोट, यानी खुश मिजाज, हर रंग के लोग यहाँ पे रहते हैं, शांति प्रिय प्रजा होती है। राजकोट की विकास की हमने जहां जहां बात सुनी, लोग काफी खुश दिख रहे हैं। ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ये एसटी स्टैंड है, ये बस स्टेशन है, राजकोट बस पोर्ट है, गेटवे ऑफ सौराष्ट्र यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले एक साल में काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा, काफी लंबा और कह सकते हैं कि सारी सुविधाओं वाला यहाँ पे एक बस स्टैंड सरकार ने राजकोट की जनता को भेज दिया है। गवर्नमेंट का है, बस स्टैंड है, स्वाभाविक तौर पे मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे ज्यादा होते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, समझेंगे कि वो विकास का किस दृष्टिकोण अपने आप में पहले देखते हैं, क्या वो सरकार किससे खुश है, क्या वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कोई और पार्टी से उनकी कोई उम्मीद लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ है तो उनका क्या मानना है, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 8 में से 5 सीट बीजेपी की थी, यानी 3 सीट नहीं थी, हालांकि 2 एमएलए फिर बीजेपी में आ गए थे। अलग अलग लोगों से जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोनल है। आप राजकोट से ही हो? हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजकारण के तौर पे तीनों पार्टी यहाँ बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, किस पार्टी का काम आपको प्रभावित कर रहा है? भाजपा का। क्यों, क्या रीजन? ये भाजपा आने के बाद ये स्टेशन वेशन बना है। पहले कैसा स्टेशन था, हमारे दर्शक मित्रों को बताइएगा। पहले अच्छा नहीं था, पहले ये नया बना है अभी। अच्छा हाँ, तो आप खुश है भाजपा से? हाँ, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र मोदी। आपका नाम नरेंद्र मोदी है? हाँ। क्या वास्तव में इनका नाम नरेंद्र? मैं आईडी बता देता हूँ ना मेरे। अच्छा, प्लीज बताएगा, बड़ा मजा आ जाएगा अगर ये बात अगर सच निकली तो। देखिए, यही है गुजरात की जनता की मजा, आप देखिए, समझिए कि जी मैं आपको बताता हूँ, हर चीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोग जो अपने अपने हिसाब से चीजें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की कामगिरी से खुश दिख रहे हैं, उनसे चाहेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, क्या पसंद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने खैर आपको बता ही दिया, और पहली महिला जो थी वो भी काफी खुश थी। और जिस तरह से और एक दर्शक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मजा आ जाएगा, इनका नाम आप देख सकते हो, मोदी नरेंद्र भाई। यस, जी हाँ, इनका नाम ही नरेंद्र मोदी है, क्या बात है। नरेंद्र भाई, तो नाम का कोई फायदा मिला आपको? नहीं, नाम का फायदा तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म से महान है इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप राजकोट से ही हो? मैं पट्टन से हूँ। अच्छा, यहाँ कोई काम के सिलसिले में? मैं डेली अप डाउन करता हूँ अहमदाबाद से कोई राजकोट। कितने साल से अप डाउन करते हो? कई सालों से। अच्छा, कई सालों से कर रहे हो, तो पहले बस स्टैंड कैसा था, आज कैसा है, क्योंकि जिस तरह से महिला से बात हुई, बहुत बदलाव है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्या आपने बदलाव देखा है राजकोट के अंदर? राजकोट में बहुत सारा बदलाव हो चुका है, आज भी सुविधा बहुत अच्छी बढ़िया चल रही है, लेकिन थोड़ी सी अभी इंसानियत के नाते से ड्राइवर कंडक्टर को इंसानियत के नाते से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत में जैसी चीज नहीं दिख रही है। क्यों, क्या तकलीफ हो रही है? वो तकलीफ में क्या होता है कि जब ये जो लोग हैं तो अपनी ओर से अपना ही तरीके से चलते हैं, जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं हो रही है। अच्छा। स्टाफ, निचले वाला स्टाफ की बात है, यानी गवर्नमेंट की बात इसमें है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वो नीचे वाला स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप खुश हो सरकार से? हाँ, बहुत अच्छी बढ़िया है। अच्छा, तो आपका नाम है, वैसे ही गुण और कर्म रहेंगे, और आप भी विकास को मानते होंगे मेरे हिसाब से? बहुत अच्छा बढ़िया है, विकास तो है, चल रहा है। अच्छा। क्योंकि देश में सबसे पहले इंसान में राष्ट्रीयता होनी चाहिए, तो ये अपना नेता है जो यहाँ पर लोकल धारा सभ्य है, तो हर इंसान को मैं एक ही बात बता रहता हूँ आम पब्लिक को, कि राष्ट्रीयता के नाते से ये उम्मीदवार उपना चुने, जिसके पास इंसानियत नहीं है तो पक्ष मत देखे, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंडेड होना चाहिए, कहने की ये कोशिश करे। क्या नाम है, क्या करते हो आप? मैं तो गुजराती हूँ। गुजराती हो? अच्छा, फिर भी बताओ, राजकोट में क्या बदलाव आपने महसूस किया पिछले कुछ सालों? राजूला तालुका ना काम है मेरा, तो राजकोट नहीं रहता हूँ, राजूला। यहाँ किस काम से आते हो? मैं यहाँ अंजीन खरीदने। अच्छा, ओवरऑल कामकाज सरकार का कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलिए, ये देखते हैं हम, अलग अलग लोग कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जवाब कर दे रहे हैं, और बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ लोग रोज बरोज आते हैं, अलग अलग जगह पे यहाँ से निकलते हैं, आते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से हम जानेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या खास तौर पे ख्वाहिश रही सरकार को लेके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? थोड़ा बहुत कुछ बोलोगे सरकार के? हितेश भाई। हितेश भाई, क्या करते हो आप? शॉप छे, शॉप शॉप है आपकी। अच्छा, राजकोट से ही हो?
अच्छा, राजकोट में पिछले 5 साल में कुछ अच्छा काम हुआ है सरकार से? नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा काम हुआ है। अच्छा, रोड रास्ता वो ब्रिज है, नया बस पोर्ट आप देख रहे हैं वो ही है। हाँ। और नया एयरपोर्ट आने वाला है अभी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बड़े आके क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। और सबसे बड़ी बात जो वो अस्पताल है, क्या बोलते हैं वो, एम्स आई, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मतलब आप खुश है सरकार से काम करिए? नहीं नहीं, बहुत बहुत खुश है। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले उल्लेख तो यहाँ बस स्टॉप का ही होता है स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि यहाँ जिनका अप डाउन है वो पहले से महसूस कर रहे हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया है। आपका शुभ नाम और कहाँ से हो? रमेश भाई, सूरत से। सूरत से हो, क्या बात है। और राजकोट किस काम के लिए, मतलब रोज अप डाउन करते हो क्या? नहीं, पर्सनल काम था इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ओवरऑल राजकोट की जनता, जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ, मोटे मोटे खुश है सरकार से? मोटे मोटे तो खुश है। सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से बता रही है कि हम बेस्ट है राजकोट के लिए। आपको क्या लगता है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी राष्ट्र समस्या का हल करता है, उसका मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा का काम करता है। बीजेपी आनी चाहिए, बाकी सब फालतू है। हाँ, आम आदमी फालतू है। कांग्रेस तो गई हुई, 17 साल आपने अनुभव कर लिया है। तो यहाँ पे लग रहा है बीजेपी ही काम की है, बाकी कोई पार्टी काम की नहीं। अलग अलग लोगों से हम जानते हैं, ज्यादातर एक ही जवाब मिल रहा है। ये चीज दिखाती है कि इस बार कोई एंटी इनकमेंसी वाला माहौल नहीं है। माहौल तो नहीं है, लेकिन सबके बीच में लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए खुश भी नजर आ रहे हैं। आपका शुभ नाम, क्या करते हो आप? मिलन, स्टॉक मार्केट। अच्छा, यही से हो आप? राजकोट से? सूरत से। अच्छा, राजकोट बार बार आना रहता है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, तो कुछ बदलाव दिख रहा है ये सिटी के अंदर, अगर पहले कभी आए हो तो? नहीं, ऐसा तो हमको ज्यादा आते नहीं है यहाँ। कब आए थे लास्ट? तो 2 साल हो गए। 2 साल, 2 साल में कुछ बदला ऐसा फील हुआ? हम राजकोट आते ही नहीं। ये 2 साल में जो आपने बोला वो, हम लोग राजकोट में मतलब आते ही नहीं। हम है प्रॉपर जामनगर के रहते, सूरत है। अच्छा। लेकिन हमारी बस नहीं वहाँ से सेटिंग आई ना, तो इसलिए यहाँ पे। सौराष्ट्र में आपको कुछ अच्छा दिख रहा है ये पिछले 5 साल में? मैं सूरत में तो बहुत बदलाव लगा भाई। स्वाभाविक तौर पर सूरत में बहुत ग्राउंड रिपोर्ट किए और जाना समझा है। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? ललित शाह। ललित जी, क्या करते हो आप? रिटायर लाइफ। अरे वाह, राजकोट से ही हो? नहीं। ओके, राजकोट तो यहाँ बार बार आना रहता है आपका? आना जाना रहता है। अच्छा, क्या लग रहा है बदलाव किस हिसाब का आप देखते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे मुझे लग रहा है, तो आप हमारी जनता को बहुत अच्छे से बता पाओगे? मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एनआरआई हो, नो वोट कास्टिंग है। क्या बात है, एनआरआई हो तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ओवरऑल हमारे मोदी जी अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में जाते हैं, सभा संबोधन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंसंट्रेशन भारत का बड़ा है। एकदम सही बात कही आपने। एक बात बहुत बढ़िया मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पहुँचाना चाहें तो पहुँचा दो। ये जो सब बातें कर रहे हैं कि इतना हमने काम किया, ये क्या, वो क्या, इतना विकास किया, सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं, अगर इतने सब उसने किया है तो उसको बार बार राजकोट, भावनगर, कच्छ सब जगह जाने की ज़रूरत क्या है? अपना काम खुद ही बोलेगा, क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी उसको? क्यों पब्लिक को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से ये देखो, ये फिजूल की बात है। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि चुनाव है लेकिन प्रचार प्रसार के लिए नहीं आना चाहिए अगर काम किया है तो? हाँ, सीधी बात है ना, अगर आपने काम किया है तो पब्लिक आपके पास सामने से आएगी, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन क्योंकि 5 साल में एक ही बार ये चुनाव होता है विधानसभा का, तो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इट इज वन एंड द सेम। कोई भी चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों दौड़ना पड़े हर जगह, ये बता मुझे। देखिए, ये दुनिया में और कोई जगह पे नहीं जाता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो अभी मतलब आपके हिसाब से बहुत कुछ चूक रह गई है? आपके हिसाब से बहुत चूक रह गई है? मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो मतलब तो यही निकला, पब्लिक समझ जाएगी और आप समझ जाओगे। बिल्कुल, मंत्री भी समझ जाएंगे कि क्या है, बस फिर क्या है, हमें जो वास्तविकता जो जनता चाहती है सोती है वही तो दर्शा रहे। मुझे क्या बताने की जरूरत है, आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, मेरा कहना है वो आप समझ गए ना। बिल्कुल, बस फिर किसी को बदनाम करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, बदनाम नहीं, हम के उंगली उठाने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि जनता के होने के नाते हम सवाल उठा सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मतदान जरूरी है, कोई सवाल नहीं है, नो क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं है। अगर उसको ये लगता है कि मैंने इतना काम किया है देश के लिए, मैंने पब्लिक के लिए ये काम किया है, वो काम किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोलते हैं काम किया है, फिर प्रधानमंत्री को खुद को हर जगह जाने की क्या जरूरत पड़ी है? देखिए, ये अनुभव है और अनुभव के साथ खट्टा मिट्टा गुस्सा भी थोड़ा बहुत है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ अनुभव है वो ज्यादा समझते हैं। उनका कहना है कि इतना प्रचार प्रसार के लिए दौड़ क्यों रहे हमारे प्रधानमंत्री, तो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है, क्या करते हो आप?
क्या नाम है, क्या करते हो? राजकोट कब कब आना रहता है? क्या बोला? राजकोट कब कब आना रहता है? राजकोट अभी, इसके पहले कब आया? इसके पहले बहुत बार आके। क्या बदलाव आपको लगा है राजकोट के अंदर? बहुत कुछ। सरकार से खुश हो? सरकार से खुश है। बाकी पार्टियां जो बोल रही है कि हम ये करेंगे, फ्री में दे देंगे, हमें बदलाव लाना है, उनको लेके कुछ कहोगे? यही है सरकार, वही अभी इतना बहुत तो करती है। जी जी बताइए। लॉलीपॉप देता है आम आदमी पार्टी वाला। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा? क्यों, कुछ नहीं मिलता है, सबको काम करना पड़ता है। सही बात, सही बात। कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं देती है। ये लोग समझ रहे हैं कि मुफ्त की बात आती है तो गुजराती लोगों को हजम नहीं आती। सही है कि नहीं? बीजेपी ही काम कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती। देखिए यहाँ क्या प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ता है, तो अब उसका काम दिखाना पड़ता है लोगों को। सबके अनुभव अलग है, सबके अनुभव के साथ अपनी विचारधारा अलग होती है। ठीक है, 10 साल पहले कुछ नहीं था गुजरात में, मोदी ने सब किया है। गुजरात का जो बस स्टैंड है वो इतना डेवलपमेंट कर दिया है, पहले इतना सालों से कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे जो विकास हुआ है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि एसटी बस स्टैंड की वो इंप्रेशन नहीं रहती है, लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि हर सुविधा यहाँ पे है, खाने पीने से लेके बैठने की, और अगर लेट नाइट भी कोई ट्रिप है तो यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। साथ में लोगों का मानना है कि 10 साल पहले कुछ नहीं था, 10 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि विकास के लिए अगर इतना ही किया है तो प्रचार प्रसार क्यों करना पड़ रहा है, कुछ लोगों की नाराजगी भी थी। और मोटे मोटे तौर पर राजकोट की ये एसटी बस स्टैंड जहाँ लाखों लोग रोज मुसाफरी कर रहे हैं, वो ज्यादातर बीजेपी के काम को लेके खुश दिख रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवाणी, इंडिया न्यूज़ गुजरात, राजकोट।